सो हेलो एवरीवन, आज है 26 जुलाई और आज बिहार के तमाम स्कूल कॉलेजों में बिहार बोर्ड 10वीं का फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें सबसे पहला पेपर सोशल साइंस का था और इसमें पूरे 1 से लेकर 50 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि 1 से लेकर 50 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे उसका सही आंसर की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जल्दी से आप अपना क्वेश्चन पेपर को निकाल लीजिए और इस वीडियो से मिला लीजिए कि आपका कितना आंसर सही है, कितने क्वेश्चन का सही जवाब आप आंसर रंग के आए हुए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहला सवाल पूछा गया था कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। दोस्तों याद रखिएगा, हंगरी की जो राजधानी है वो बुडापेस्ट में है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बुडापेस्ट। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 में पूछा गया था कि वर्साय की संधि कब हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, वर्साय की संधि 1919 ईस्वी में हुई थी, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 में पूछा गया था कि बिस्मार्क क्या था। दोस्तों याद रखिएगा, बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी था, कूटनीतिज्ञ। उसके बाद में अगला सवाल ये पूछा गया था कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। दोस्तों आप सभी को बता दें कि नेपोलियन संहिता जो है वो सन 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा लागू की गई थी। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इटली के एकण में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो नेपोलियन बोनापार्ट का है, यही कारण है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन को माना जाता है। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया था कि चेका का गठन किसने किया था। दोस्तों आप सभी को बता दें कि चेका का गठन लेनिन के द्वारा किया गया था, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, लेनिन। अगला सवाल ये पूछा गया था कि दास कैपिटल की रचना किसने किया था। दोस्तों आप सभी को बता दें, सन 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कार्ल मार्क्स। उसके बाद में अगला सवाल है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, लेनिन की मृत्यु सन 1923 ईस्वी में हो गई थी और लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति सन 1921 ईस्वी में अपनाई गई थी। उसके बाद में अगला सवाल कहता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक 1 मई को मनाया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। दोस्तों सोवियत संघ का विघटन सन 1991 ईस्वी में हो गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। देखिए, सामाजिक विभाजन का आधार धर्म भी है, धर्म के द्वारा भी समाज का बंटवारा कर दिया जाता है, भाषा भी है और जाति भी है, लेकिन मानवता के आधार पर धर्म का विभाजन नहीं किया जा सकता है, राइट आंसर ऑप्शन सी था। उसके बाद में 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। दोस्तों आप सभी को बता दें, 16वीं लोकसभा जब 2014 में जो 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें महिलाओं की भागीदारी जो थी वो 61 थी, यानी 61 महिलाएं 16वीं लोकसभा में चुनकर प्रतिनिधि के रूप में चुनी गई थी। हालांकि 61 कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, हालाँकि सही जवाब इसका 61 होगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। और यहाँ पे देखिएगा ना, तो चारों ऑप्शन गलत है। इसी क्वेश्चन को 49 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग जो बना था सबसे पहले 1962 में बना था, सॉरी 1952 में बना था, दूसरा 1995 बना था और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग 1999 में बना था। कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये चारों ऑप्शन गलत है। उसके बाद में संघ सरकार का उदाहरण क्या है, तो ये अमेरिका है, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देख लीजिए, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी था, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार सन 1928 ईस्वी में प्राप्त हुआ। अगला सवाल काफ़ी ही सिंपल पूछा गया था कि भारत में कितने राज हैं। आप सभी को बता दें कि भारत में 29 राज हैं, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो आप सभी को बता दें कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल केवल 5 वर्ष का होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट तो इसका आंसर मुखिया मारे होंगे, लेकिन आप सभी को बता दें कि ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
उसके बाद में अगला सवाल में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन को देखिएगा तो झारखंड, सिक्किम और केरल, ये तीनों के तीनों राज्य है। ऑप्शन ए में दिया गया था चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद में कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप सभी को हम बताए थे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में कि पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था विद्यमान है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन पिछड़ा राज्य है। आप सभी को बता दें बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बिहार राज्य को ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 22 से पूछा गया था कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है। आप सभी को बता दें कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 23 को देख लीजिए कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। आप सभी को बता दें कि भारत में नीति आयोग की स्थापना सन 2014 ईस्वी में नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 2015 ईस्वी में। उसके बाद में कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है। आप सभी को बता दें कि बिहार में लगभग 86% जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर रहते हैं। हालांकि 86 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 85%। उसके बाद में कहता है कि भारत एक राष्ट्र है। दोस्तों याद रखिएगा भारत एक विकासशील राष्ट्र है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी था। उसके बाद में कहता है कि पूंजी का परिश्रमिक है। दोस्तों पूंजी का परिश्रमिक क्या होता है, तो लाभ हानि तो होगा नहीं, इसका वेतन या ब्याज होगा। कमेंट सेक्शन में बहुत जरूर बताइएगा। अगला सवाल ये पूछा गया था कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो आप सभी को बता दें कि बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय जो अधिक है वो पटना जिला के है। भारत में पूछा जाएगा, राज्य में पूछा जाएगा तो गोवा हो जाएगा, बिहार के जिला में पूछा जाएगा तो पटना हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों याद रखिएगा ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला को माना जाता है। उसके बाद ये कहता है कि भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि भारत में पूरे 5 प्रकार के मृदा यानी मिट्टी पाई जाती है, हालांकि 5 ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। उसके बाद में कहता है कि आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा आधुनिक सभ्यता का जो रीढ़ है वो मैग्नीज को माना जाता है, और भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद में कहता है कि राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा भारतीय जल नीति जो है वो भारत में 2002 ईस्वी में लागू की गई थी। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं 2001 में लागू की गई थी, तो आप इसका आंसर देख लीजिएगा। ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, तो देखिए बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार और गया में तो होगा नहीं, सही जवाब बरौनी हो जाएगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, याद रखिएगा काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा या लेटराइट है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा अधातु खनिज का उदाहरण है, यानी कौन सा ऑप्शन है जो अधातु खनिज का उदाहरण है। तो सोना तो धातु है, टीन धातु है, ग्रेफाइट अधातु है, ऑब्रा धातु है, सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तो याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह ही तारापुर में स्थित है। किस राज्य में वन का सर्वाधिक विस्तार है, तो आप सभी को हम बताए थे कि मध्य प्रदेश एमपी के ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे बड़ा वन उत्पादक राज्य माना जाता है, यहीं पर सबसे ज़्यादा घना जंगल है। अवरक कितने किस्म में पाई जाती है, तो आप सभी को बता दें कि अवरक की जो किस्म होती है वो दो होती है, हालांकि दो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, लेकिन अवरक का किस्म की बात करेंगे तो ये दो किस्म की होती है। अगला सवाल है मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों याद रखिएगा मैग्नीज का उत्पादन करने में भारत का विश्व में पहला स्थान है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जी। उसके बाद ये पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। आप सभी को हम बताए थे कि वैसी आपदा जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, बाढ़, ये सब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सुनामी, भूकंप, बाढ़ ये सभी प्राकृतिक आपदा तो है, लेकिन आतंकवाद जो है मानव जनित आपदा है, तो यही क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में कहता है सुनामी किस स्थान पर आती है। दोस्तों सुनामी का संबंध समुद्र से होता है, क्योंकि समुद्र में जब भूकंप आता है उसे सुनामी कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा यूरोप का जो मरीज है वो तुर्की देश को कहा जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है यंग इटली का संस्थापक किसे माना जाता है। आप सभी को मालूम होगा कि सन 1831 ईस्वी की बात है जब मेजनी के द्वारा यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की गई थी। उसके बाद में कुछ में 43 कहता है अंकुरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है। तो याद रखिएगा अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया देश में सूर्य वर्मन की द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था।
उसके बाद में भाखड़ा नांगल बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। तो आप सभी को बता दें कि भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। उसके बाद में कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, आह कितना सुंदर सवाल है। भारत का राष्ट्रीय जो पक्षी है वो मयूर यानी मोर है। उसके बाद में कहता है कि बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था। आप सभी को बता दें कि बिहार में जो सबसे पहला विनाशकारी भूकंप था वो सन 1934 ईस्वी में आया था, जिसमें ज़मीनें फट गई थी, दरारें पड़ गई थी और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बालू ज़मीन पे आ गए थे। अगले सवाल यहाँ पे फिर से क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना था। आपसे भी बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम सन 1961 ईस्वी में बनाया गया था। उसके बाद में कहता है प्राचीन काल में जाति प्रथा का आधार क्या था। आपसे भी बता दें प्राचीन काल में जाति प्रथा का जो आधार था वो धर्म था। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। दोस्तों आपसे भी बता दें राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन सन 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला साल 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों आप सभी को बता दें 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों आशा करती हैं इस वीडियो में आप सभी को जितने भी 1 से लेकर 50 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन किए थे, इसमें जितना भी आप सभी का सही होगा कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना उत्तर जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को 1 से लेकर 50 तक के सामाजिक विज्ञान फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में पूछे गए तमाम क्वेश्चनों का आंसर कर लिए हैं। आगे आने वाली वीडियो लेक्चर में हम लोग हिंदी का, संस्कृत का, उर्दू, हिंदी और इसके साथ साथ मैथ और साइंस का जो पेपर बाकी है सभी का एग्ज़ाम से पहले उसका आंसर की देखना चाहते हैं तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि वे लोग भी एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन का लाभ उठा पाएँ। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VBI 10वीं कक्षा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।